अब हम इस बटन सबमिट बटन की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम लग रही है, तो क्या करेंगे कि इस कॉलम में अब हम पैडिंग ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम पैडिंग ऐड करते हैं, ऑल से 8 10 कर देते हैं, बल्कि लॉगिन वाले में कितनी की है पैडिंग उतनी कर देंगे। एक कॉलम कंटेनर पैडिंग हॉरिजॉन्टल से 20 की थी। ओके, तो इसमें भी हम सिमेट्रिक करेंगे और हॉरिजॉन्टल से 20 कर देंगे। ओके, ये तो ये न्यू पासवर्ड एंटर, न्यू पासवर्ड कंफर्म, न्यू पासवर्ड एंटर कंफर्म, न्यू पासवर्ड। अब इसमें हम वैलिडेशंस लगाएंगे। तो वैलिडेशंस के लिए हमको ये जो कॉलम है वो फॉर्म से रैप करना पड़ेगा। फॉर्म से रैप कर देते हैं और इसमें एक की देनी पड़ेगी जिसका नाम होगा फॉर्म की, और इसकी हम वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, मतलब फील्ड, जिसका नाम होगा ग्लोबल की, और जो होगी फॉर्म स्टेट। ओके, अब क्या करेंगे, इस फॉर्म की को हम बटन पर, लेकिन पहले बटन पे हम इसको चेक कराते कैसे, फॉर्म की डॉट करेंट स्टेट डॉट वैलिडेट, और ये नल भी हो सकती है करेंट स्टेट, इसलिए इसको नॉट नल कर देते हैं, कि डिफाइन कर देते हैं कि ये कभी भी नल नहीं हो सकती। और अब इसमें आया किसकी बात, वैलिडेटर की, तो हम वैलिडेटर में क्या करेंगे कि इफ इफ पी जीरो कर लें, ठीक है, पी जीरो डॉट इज एम्प्टी, इफ वैल्यू जो इसमें होगी वैल्यू वो अगर एम्प्टी होगी तो हम रिटर्न करेंगे कि न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। ओके, कैन नॉट बी एम्प्टी, अदरवाइज रिटर्न करेंगे नल एरर। ओके, तो यही वैलिडेटर हम कंफर्म न्यू पासवर्ड पे अप्लाई करेंगे, कैन नॉट बी एम्प्टी। अब चेक करते हैं, न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, कंफर्म न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। ओके, अगर इसमें कुछ वैल्यू एंटर करते हैं तो कंफर्म न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, अदरवाइज ये हो गया। अब क्या करें, तो ये वैलिडेटर भी लग चुका है। अब इसमें सबमिट पर एपीआई कॉल करनी है, अभी हमारे पास एपीआई नहीं है, तो ये ओनली यूआई पार्ट था। तो अगर आपको ये यूआई पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। चैनल का नाम है फ्लटर डेवलपर राज।
So for more videos, please like and subscribe. Thank you so much.